तो गाइस हम लोग रोड पे आ चुके हैं और टेम्पो का इंतज़ार, मतलब रिक्शा या ऑटो कुछ भी मिल जाएगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। धूप में मेरी आंखें नहीं खुल रही है, धूप बहुत तेज़ है। मैंने इससे कहा था छाता लाने के लिए, पर ये छाता नहीं लाया। और देखो कितनी देर खड़े होना पड़ता है। ये देख सकते गाइस मम्मी को आप, ये कैसे धूप में परेशान हो रही हैं। ये देख सकते हैं भाई महिला होटल हम लोग आ गए हैं ना मम्मी, महिला होटल आ गए। ये धूप में कैसे परेशान हो गई, चलते चलते परेशान हो गई हैं। तो गाइस मैं जा रही हूँ तैयार होने, और मैं तैयार होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देख सकते हैं गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं, और इन्होंने बैग में क्या डाल रखा है, बैग लिए हुए हैं। बैग में उन्होंने बोरियां मंगाई थी, इसलिए तो अब हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे, उनका गांव का क्या नाम है, हम लोग जहाँ गांव में गए थे शादी में वहीं जा रहे हैं फिलहाल। अरे ये लगा रहे, देखो टॉवल उसे में फंस गई है। नारी बरी जा रहे हैं, नारी बरी। तो चलते हैं हम लोग नारी बरी। ओ माई गॉड मेरे कपड़े रह गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं उठा के रख देती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, अभी रास्ते में पहुँचेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिख। तो गाइस हम लोग रोड पे आ चुके हैं, और टेम्पो का इंतज़ार, मतलब रिक्शा या ऑटो कुछ भी मिल जाएगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। धूप में मेरी आंखें नहीं खुल रही है, धूप बहुत तेज़ है। मैंने इससे कहा था छाता लाने के लिए, पर ये छाता नहीं लाया। और देखो कितनी देर खड़े होना पड़ता है। ये देख सकते हैं गाइस मम्मी को आप, कि कैसे धूप में परेशान हो रही हैं। ये देख सकते हैं भाई महिला होटल हम लोग आ गए हैं ना मम्मी, महिला होटल आ गए। ये धूप में कैसे परेशान हो गई, चलते चलते परेशान हो गई हैं। देख सकते हैं हमको गाड़ी मिल चुकी है, हम लोग बैठ चुके हैं। ये राजा बैठा हुआ आगे देख सकते हैं गाइस हम लोग नारी भरी आ चुके हैं उनके घर पे, और बस पहुंचने वाले हैं 2 मिनट में। तो देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं उनके घर पे, और गेहूं देखेंगे अभी। और चाची, चाची को दिखलाएं, ये चाची हैं जो शादी में आए थे हम लोग। हाँ कोई नहीं है, कोई है नहीं इसमें, वो देख रही है कोई है। ये देख सकते हैं इतना पानी बरसा यहाँ पे, और हम लोग फंस गए। तुरंत निकलने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए, बहुत ज़्यादा पानी बरसा है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सड़क गीली है, और ये राजा आगे आगे जा रहा है, और वंश जा रहा है रिक्शे पे बैठालने हम लोगों को। हम लोग गेहूँ देखने आए थे यहाँ, और गेहूँ मतलब ले लिए हैं थोड़ा सा राज को दिखाने के लिए गेहूँ लिए हैं, और उनको पसंद आएगा तो फिर लेने आएंगे, और नहीं पसंद आएगा तो उनको फ़ोन कर देंगे तो फिर नहीं लेने आएंगे। ये देख सकते हैं पूरी सड़क भरी हुई है इधर से। कहाँ है तुम्हारा रिक्शा वंश, गाँव का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, भैंस सब पानी में खड़ी हुई हैं, सारे खेत भर चुके हैं पानी से। और ये देख सकते हैं क्या लगा हुआ है खेत में, क्या लगा, लौकी, गेंदा भी निकल गई है, ये है, ये देख सकते हैं मैरीगोल्ड, गेंदा, फूलों की खेती है ना यहाँ करा है उन्होंने।
बहुत अच्छी। सकते हैं गाइस, जिस ऑटो पे हम लोग बैठ के आए थे वो उसने बैग रखा था राजा का, तो वो बैग राजा भूल गए हैं और वो दौड़ के गए हैं क्योंकि वो पेट्रोल पंप तक गया है, तो राजा दौड़ के गए हैं लेने। अब देखो बैग मिलता है कि नहीं मिलता है। तो गाइस हम लोग अपने घर आ चुके हैं और शाम के बज गए हैं 6 और राज लोग भी आ गए हैं। सुसु लगी है तो सुसु जाओ, राजा को लगी है सुसु बोल रहा है। और अब चाय बनाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और उधर इतना ज़्यादा पानी बरसा है, उधर इतना ज़्यादा पानी बरसा। ये देख सकते हैं राज भी आ गए हैं, राज का फोन भी आ गया है और अब देखते हैं इनको गेहूं पसंद आता होगा तो लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं लेंगे। तुझको सूसू लगी थी। तो ये दोनों लोग थक गए हैं, आके बैठ गए हैं। ये देख सकते हैं ये गेहूं राज को दिखाने के लिए लाए हैं। अब इसको गेहूं राज देख के डिसाइड करेंगे कि हाँ गेहूं लेना है कि नहीं लेना है। तो गाइस हम घर पहुंचते ही अभी मैंने बनाया है चाय, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं राज पी रहे हैं। इसको देखो, इसने अभी अपने कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं, ऐसे ही लेटे लेटे चाय पी रहा, देख सकते हैं। मतलब मोबाइल भी चला रहा है। और राजा गया है प्रकाश भैया को छोड़ने, तो अभी तक छोड़ के नहीं आ पाया है, किसी से वो बात करने लगा है। और ये देख सकते हैं मेरी चाय, हम मैंने मिट्ठुओं को भी खाना दे दिया है। और मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। तो आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो ख़राब लगा हो, आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।